हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी से माने गाना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम जो है जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं E12 उसका वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लेकर आए हैं। पिछला वाला वीडियो जो था वो हमने वन लाइनर जो थे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, तो उसका वीडियो लेकर आए थे। ठीक है, पेज नंबर 331 हिमाचल दर्पण बुक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में हम। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है? तो 90% राशि जो है वो केंद्र सरकार जो है वो सब्सिडी के तौर पर जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, और ज्यादातर जो हिमाचल के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो उसमें केंद्र सरकार की फंडिंग जो 90% होती है, वो इसलिए क्योंकि हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं 11 राज्य जो हैं, अब तो 10 ही रह गए और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उनको जो है स्पेशल वो कैटेगरी स्टेट की वजह से 90% जो है फंडिंग जो है केंद्र सरकार द्वारा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है चिनाब नदी पर स्थित है? किलाड़, सिसु, थिरोट या ये सभी? तो जितने भी है, किलाड़ पांगी में है तो ये भी चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिसु जो है चिनाब नदी के किनारे, चंद्रा नदी यानी चिनाब, और थिरोट भी जो है वो चिनाब के किनारे स्थित है। ठीक है, चंद्रा भागा मिलती है, चिनाब नदी का निर्माण होता है, तो या तो चंद्रा के किनारे है या भागा के किनारे है, पर ज्यादातर चंद्रा के किनारे है, बाद में ये चिनाब बन जाती है टांडी के बाद। ठीक है, थिरोट और जो किलाड़ है वो तो चिनाब नदी के किनारे है, सिसु जो है वो चंद्रा के किनारे है, तो ये सभी आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना व्यास नदी के तट पर स्थित है? तो बनेर, खोली, गज, तो ये सभी जो है ये व्यास नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित ये जितने क्वेश्चंस हैं ये इकोनॉमिक सर्वे से भी उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, खासतौर पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम लेता है, जो हमीरपुर लेता है, वहां पर थोड़े ईजी क्वेश्चन आते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना रावी नदी के तट पर स्थित है? अपर ज्वाइनर, सुमेज, तौस और सिसु। तो सिसु तो है नहीं रावी नदी के किनारे, ठीक है, चिनाब पर है। ठीक है, तो ये अपर ज्वाइनर जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना में सबसे अधिक संभावित क्षमता किस नदी तट में है? तो सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने की क्षमता किस नदी में है? ठीक है, तो ये व्यास नदी में है सबसे ज्यादा जो है, निम्नलिखित में से, इनमें से व्यास, यमुना, क्योंकि यहाँ पे सतलुज ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो सतलुज में है। ठीक है, तो इन इन नदियों में से सबसे ज्यादा जो है वो व्यास नदी में है। ठीक है, तो निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से सबसे अधिक संभावित क्षमता किस नदी तट पर है? तो व्यास नदी पर सबसे ज्यादा है, इन चारों में से, सतलुज इसमें नहीं है ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना व्यास नदी के तट पर स्थित है? जोगनी, नांती, तौस, कुर्मी। तो तौस जो है वो व्यास नदी तट पर जो है वो स्थित है। सतलुज नदी बेसिन पर निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है? अपर ज्वाइनर, सुमेज, बुधिल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों जो है ये अलग अलग उसमें स्थित हैं। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी तट पर स्थित है? ठीक है, गज, खोली, थिरोट, यहाँ पर भी नन ऑफ द अबव। गज तो जो है व्यास पे स्थित है, थिरोट जो है वो चिनाब पे स्थित है। ठीक है, फिर है कौन सी एजेंसी टॉस, अभी हमने टॉस की बात की है भले, जल विद्युत परियोजना का हिमाचल प्रदेश में निर्माण कर रही है? क्वेश्चन नंबर 9, तो ये साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन जो है ये निर्माण कर रही है। ठीक है, फिर बिलासपुर जिले के किस स्थान पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज प्रस्तावित है? तो ये बिलासपुर के बांदला में जो है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो प्रस्तावित है। फिर रुकती जल विद्युत परियोजना किस नदी बेसिन पर स्थित है? तो रुकती जल विद्युत परियोजना जो है सतलुज नदी बेसिन पर स्थित है। फिर किस एजेंसी ने बसपा 2 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया है? तो जयप्रकाश इंडस्ट्री, जेपी इंडस्ट्री जो है उसने जो है, जेपी इंडस्ट्री ने जो है वो बसपा 2 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की है? होली, जोगनी, गज, सिसु। तो जोगनी जो है वो निजी क्षेत्र की है। ठीक है, बाकी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की है, पब्लिक अंडरटेकिंग जो है। फिर हिमाचल की कौन सी जल विद्युत परियोजना गंगधारी हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही है? तो जो जोगनी जल विद्युत परियोजना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की है, तो उसको गंगधारी हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड जो द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में है? सुमेज, कुर्मी और न्यूगल, ये सभी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की जो है जल विद्युत परियोजना है। कौन सी जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की नहीं है? सुमेज, कुर्मी, जोगनी, रुकती। तो रुकती जो है वो निजी क्षेत्र की नहीं है, ठीक है। बाकी सारी जो है ये सुमेज, कुर्मी और जोगनी जो है वो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना, निजी क्षेत्र की सुमेज और कुर्मी, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर की जो है रुकती इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की है। खुरपन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू जिले में स्थित है, खुरपन जल विद्युत परियोजना, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्विस से उठाए जाते हैं, ये वाले खासतौर पे पब्लिक सर्विस कमीशन के। फिर कड़छम वांगटू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है, कड़छम वांगटू जल विद्युत परियोजना, ठीक है। फिर है भाभा जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 120 मेगावाट, किन्नौर जिले में स्थित है ये भाभा जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर। फिर है पटकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये व्यास नदी पर स्थित है, पटकरी, ठीक है, पतिकरी लिखा है इस पे, पटकरी जो है इसका नाम। फिर कुर्मी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये अभी ऊपर आया भी है, तो सतलुज नदी पर स्थित है कुर्मी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। प्रस्तावित केसांग जल विद्युत परियोजना ये किस जिले में है? तो किन्नौर में है केशांग जल विद्युत परियोजना। सरवरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरवरी जो है वो व्यास नदी पर स्थित है, ठीक है। फिर है थिरोट जल विद्युत परियोजना किस नदी बेसिन में स्थित है? तो चिनाब में है थिरोट जल विद्युत परियोजना, लाहौल स्पीति में। सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित हो रही है? तो ये सावड़ा कुड्डू जो है ये पब्बर नदी पर विकसित हो रही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किस क्षेत्र में विंड मिल लगाने की योजना बना रहा है? तो ये स्पीति में, लाहौल स्पीति के स्पीति जो घाटी है वहां पर जो है विंड मिल लगाने का जो है वो योजना बना रहा है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए क्षेत्र का चयन कर लिया गया है? तो बिलासपुर जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए क्षेत्र का चयन किया गया है। फिर धमवाड़ी सुंडा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये शिमला जिले में है, धमवाड़ी सुंडा, ठीक है। फिर लाहौल के रंगरी गांव में जो सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है उसकी क्षमता क्या है? तो जो रंगरीक में, लाहौल के रंगरीक में जो सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है उसकी 2 मेगावाट क्षमता है, ठीक है। रेणुका बांध परियोजना किस को पानी जो है वो उपलब्ध करवाएगी? तो ये दिल्ली जो है उसको पानी जो है वो उपलब्ध करवाएगी। फिर रेणुका जी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये गिरी नदी पे बन रही है, ठीक है। रेणुका डैम जो है 40 मेगावाट के आसपास है, दिल्ली को पानी मिलेगा इससे। हिमाचल या हिमालय के कुल बायोगैस उत्पादन में हिमाचल प्रदेश कितने प्रतिशत बायोगैस का उत्पादन करता है? तो हिमालय के कुल बायोगैस उत्पादन में से हिमाचल प्रदेश जो है वो 90.86% उत्पादन करता है। अपर ज्वाइनर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है, ठीक है। अभी ऊपर भी आया था इसका क्वेश्चन। सरयांज सरमा जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में स्थित है? तो सोलन जिले में स्थित है, सरयांज सरमा। फिर है चाबा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चाबा जो जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो सतलुज नदी पर स्थित है, ठीक है। फिर है कोल डैम जो जल विद्युत परियोजना है, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन जो है ये जो हमीरपुर का जो बोर्ड है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वहां से ये क्वेश्चन आते हैं। अभी तक हम पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे जो ज्यादातर एग्जाम में जो है वो अलाइड और एचएएस वगैरह के आते हैं। अब यहाँ पे जो है ये और इकोनॉमिक सर्विस उठाए जाते हैं, ये क्वेश्चंस अब जो है आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के बजाय जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर उसके हैं। कोल डैम जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितने मेगावाट है? तो 800 मेगावाट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार हिम ऊर्जा की उत्पादक क्षमता कितनी है? तो 2.37 मेगावाट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी भी इसमें वो आ रहे हैं। फिर है साल जल विद्युत परियोजना किस नदी बेसिन में स्थित है? तो रावी नदी बेसिन में है साल, ठीक है। चंबा जो है के साथ ही जो है साल नदी भी बहती है, रावी में मिलती है। सिसु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबा में स्थित है, ठीक है। चिनाब, सॉरी चंबा बोल रहा हूँ, चिनाब नदी पे स्थित है ये, शिशु लाहौल में है। फिर 800 मेगावाट की कोल डैम परियोजना में कितने टरबाइन है? तो 800 मेगावाट कोल डैम परियोजना में 4 टरबाइन है, ठीक है। फिर तांगनू रोमाई जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये शिमला जिले में है, तांगनू रोमाई जल विद्युत परियोजना। आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस नदी बेसिन में स्थित है? तो ये यमुना नदी बेसिन में स्थित है, पब्बर में है वैसे तो, ठीक है। बेसिन पूछा है ना, नदी बेसिन, तो फिर यमुना आएगा, ठीक है,
क्योंकि आंध्रा जल विद्युत परियोजना आंध्रा नदी में, आंध्रा जो है वो पब्बर की सहायक है, पब्बर जो है वो यमुना की सहायक है, तो नदी बेसिन यमुना आ जाएगा। फिर लार्जी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, व्यास नदी पर स्थित है, ठीक है, कुल्लू में है ये। 100 मेगावाट क्षमता वाली टिडोंग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलुज नदी पर स्थित है टिडोंग। फिर थिरोट जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, थिरोट, ठीक है, तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है थिरोट। फिर है बैरा सियूल जल विद्युत परियोजना किस नदी में स्थित है, तो रावी नदी में स्थित है, बैरा और सियूल जो है रावी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, चंबा में स्थित है ये। हिमाचल प्रदेश का कौन सा पूर्व राज्य जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र में पुरोगामी रहा है, तो पुरोगामी मतलब कि बहुत सबसे पहले जो है जल विद्युत एस्टेब्लिश वहीं पर हुई थी, तो ये चंबा है, ठीक है, सबसे पहले जो जल विद्युत जो है बिजली जो है वो दी गई थी वो चंबा शहर को दी गई थी, ठीक है, 1910 के आसपास की बात है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है पर 1910 के आसपास, 4-5 साल आगे पीछे हो सकता है। ऊहल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये मंडी जिले में है ऊहल जल विद्युत परियोजना, ठीक है। ऊहल चरण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो जोगिंदर नगर है ये, मंडी, अभी हमने ऊहल के बारे में पढ़ा, तो मंडी के जोगिंदर नगर में है ये। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो रावी नदी पे स्थित है चंबा में, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश में 33 KV और इससे ऊपर के मानव रहित विद्युत केंद्रों के नियंत्रण और निगरानी का केंद्र कहाँ है, तो ये पांवटा साहिब में है, ठीक है, हिमाचल में 33 KV और उससे ऊपर के मानव रहित विद्युत उपकेंद्रों के नियंत्रण और निगरानी का केंद्र पांवटा साहिब में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की एक जल विद्युत परियोजना इस अर्थ में अनोखी है कि यद्यपि भौगोलिक रूप से तो वो हिमाचल के हिस्से में है, लेकिन उसका प्रशासन जो है पंजाब के कानून के अनुसार जो है संचालित होता है, तो परियोजना कौन सी है, तो ये मंडी के जोगिंदर नगर की शानन परियोजना है, ठीक है, 126 मेगावाट की, उस पर पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का जो है वो अधिकार है। कौन सी मुख्य जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में रूस के सहयोग से चल रही है, तो कोल डैम जो है वो भारत और उसमें रूस जो है वो सहायता कर रहा है, 1988 में साइन हुए थे राजीव गांधी और मिखाइल गोर्बाचोव के। भाभा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, किन्नौर में है। रोंगटोंग कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये क्वेश्चंस आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में आए हैं। फिर है चमेरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ये चंबा में है। 260 मेगावाट की हिबरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, चंबा में है। आंध्रा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ये जिला शिमला में है, ठीक है, आंध्रा नदी पर। फिर किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में संपूर्ण विद्युतीकरण का उद्देश्य प्राप्त कर लिया था, तो 1988 में जो है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया गया था। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है, तो शिमला और हमीरपुर दोनों को जो है वो सोलर सिटी जो है बनाने का प्रस्ताव है। व्यास सतलुज परियोजना की कुल उत्पादक क्षमता कितनी है, तो 490 मेगावाट है व्यास सतलुज परियोजना की। देहर परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 165 मेगावाट है, देहर कांगड़ा में है देहर परियोजना। फिर है पोंग बांध किस किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, जो पोंग डैम है वो किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, तो पोंग डैम हरियाणा पंजाब और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। कोल बांध किसके सहयोग से बनाया जा रहा था, तो ये भारत और रूस के सहयोग से बन रहा है। सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना की जो है वो उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 111 मेगावाट है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया था। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत क्षमता इन ऑप्शंस के अनुसार 20,000 मेगावाट पर इससे थोड़ी सी ज्यादा है। बिनवा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है। कड़छम वांगटू जल विद्युत परियोजना की क्षमता लगभग 1,000 मेगावाट के आसपास है, ठीक है। सैंज जल विद्युत परियोजना जो 100 मेगावाट की है वो किस जिले में स्थित है, तो कुल्लू जिले में स्थित है सैंज जल विद्युत परियोजना। कौन सी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत कब्जे में नहीं है, तो ये शानन जल विद्युत परियोजना है, जोगिंदर नगर मंडी में स्थित है, ठीक है, तो ये हिमाचल सरकार के कब्जे में नहीं है क्योंकि इस पे पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का जो है वो कब्जा है। कोल डैम जल विद्युत परियोजना किस नदी पे निर्मित किए जा रही है, तो ये सतलुज पे है कोल डैम परियोजना, रूस के सहयोग से बनी है, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश में विद्युतीकृत गांवों का अनुपात किस जिले में सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम है, सॉरी, तो सबसे कम विद्युतीकृत गांव जो है इलेक्ट्रिफाइड जो विलेज है वो लाहौल स्पीति में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कि किस नदी में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है, तो सतलुज में, अभी हमने ऊपर व्यास में पढ़ा था, तो वहां पे क्योंकि ऑप्शन सतलुज नहीं था इसलिए व्यास उसका आंसर था, पर जब सारी नदियों को देखेंगे तो सबसे ज्यादा जल विद्युत उत्पादन क्षमता सतलुज नदी में है। गिरिबाटा बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, तो ये सिरमौर जिले में स्थित है, धौलाकोट
गिरी नगर में। जोगिंदर नगर का शानन पावर प्रोजेक्ट कब बना था? तो ये इनमें से कोई नहीं आ रहा है आंसर। 1826 के आसपास जो है ये बना था। फिर हिमाचल प्रदेश में मार्च 2010 तक कितना दोहन किया गया था? तो ये 6500 मेगावाट, ये 2010 तक हो चुका था दोहन। अब लगभग 10,000 मेगावाट के आसपास जो है वो दोहन हो चुका है। कोलबान जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है एनटीपीसी द्वारा, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सहयोग रूस कर रहा है, भारत कर रहा है, लेकिन निर्माण कौन सी एजेंसी कर रही है? ये तो एनटीपीसी जो है ये भारत का जो नवरत्न है उनमें शामिल है, महारत्न नवरत्न। हिमाचल प्रदेश की नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है, नाथपा झाकड़ी, ठीक है, नाथपा किन्नौर में, झाकड़ी शिमला में, 1500 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जल विद्युत क्षमता कितनी है? तो लगभग 20,000 मेगावाट है, 2008 और 10 के बीच में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 300 मेगावाट की बसपा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? बसपा, ठीक है, तो बसपा जल विद्युत परियोजना जो है वो कुकुमसेरी में स्थित है, किन्नौर में है ये। फिर भारत की जल विद्युत क्षमता का कितने परसेंट हिमाचल प्रदेश में है? तो लगभग 25% है। जो भी जल मतलब 1 लाख जल विद्युत उत्पादन क्षमता है भारत की, तो उसमें से लगभग 25% यानी कि 25,000 मेगावाट जो है 1 लाख मेगावाट में से वो हिमाचल प्रदेश में है। संजय जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो किन्नौर में है, भाभा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, 120 मेगावाट की। फिर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये 1971 में हुई थी, ठीक है, एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। सोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 450 मेगावाट है, ठीक है। फिर 5 मेगावाट की बैराडोल सौर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? तो बिलासपुर में प्रस्तावित है, सौर परियोजना है बैराडोल, बिलासपुर जिले में, 5 मेगावाट की, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे से उठाए गए हैं क्वेश्चन, फिर से आ गए हैं ये जो है इकोनॉमिक सर्वे वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे जो भी कॉलेज लेक्चरर के जो है एग्जाम होते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। साई कोठी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये चंबा में स्थित है, सई कोठी के नाम से जानते हैं, तिस्सा में जो है। फिर जिस्पा जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 300 मेगावाट है। सैन जल विद्युत परियोजना किस नदी बेसिन पे बनाई जा रही है? तो ये व्यास नदी बेसिन पे बनाई जा रही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, ठीक है, ज्यादातर जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के भी हैं से उठाए जाते हैं क्वेश्चन, खासतौर पर अगर आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना है, वरना तो जो आसान होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं, तो आप इन इसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर है या कोई लेक्चरर है, तो वो क्वेश्चंस जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं। बाकी जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए यूजफुल हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।